बलिया जनपद के उभार थाना क्षेत्र के चंदा गलीपुर में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक टूर्नामेंट का आयोजन सफल के तरफ जा रहा है। आज इस फील्ड के मैदान पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर दो टीमें हैं जिसमें जो फाइनल मैच हो रहा है, और यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे भाजपा के सदस्य, रेलवे के सदस्य, भाजपा नेता और एडवोकेट सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर कुछ फील्ड की समस्या सामने आई है उस सोशल मीडिया के सामने, जिसमें ये मैदान और ये ग्राम सभा जो है चकबंदी विभाग में जा चुका है, और इसकी पूरी जाँच पड़ताल होने के बाद यहाँ के ग्राम पूर्व ग्राम प्रधान और समाजवादी पार्टी के जिला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, इसकी मांग के जो बच्चों को सुरक्षा के बीच उस हालात में भी बच्चे जो है जितना निर्भय तरीके से खेल को खेल रहे हैं और अपने मैच को जो है जो अंजाम दे रहे हैं, सिक्सर मार रहे हैं, फोर मार रहे हैं, इससे लगता है कि आज भी प्रतिभा जो है गांव के अंदर जो विद्यमान है, लड़कों के अंदर वो दूर है, उत्साह है, बस उनको क्या है इसके लिए प्लेटफार्म देने की ज़रूरत है। और जैसे ही अगर इन बच्चों को एक प्लेटफार्म गाँव के अंदर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से ये लड़के जिला ही नहीं चकबंदी में आ गया है। और खास से मैं जो हूँ चकबंदी कमेटी है उसका सदस्य हूँ। अब मैं जो है बच्चों से वादा करता हूँ उसको फिर दिलाने के लिए जो भी होगा जो है मैं चकबंदी हुई हम लोग का याद भी नहीं होगा। अभी प्रजेंट टाइम में चंदार बलीपुर जो मैं पिछली बार प्रधान था तो प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव सेंशन भी हो गया है और हमारा गांव चकबंदी भी है। और उम्मीद है कि जब चकबंदी बचाई हमारा गांव चकबंदी में आ गया है, सारे कागजात जो है चकबंदी में जमा हो गए हैं। अब आपको नेट से कोई इंतखाब नहीं मिलेगा, वकील साहब जैसा कि हमारे बगल में खड़े हैं इनको जानकारी होगा, इसलिए जैसे हमारे यहाँ चकबंदी चालू होगा निश्चित फील होगा। Power!